निकी तांबोली के परिवार पर टूटा गमों का पहाड़। आइए जानते हैं कि किस तरीके से अपने भाई को खोने के बाद इमोशनल पोस्ट लिखकर निकी ने जताया दुख। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल में। वेल दोस्तों, अगर हम बात करें निकी तांबोली, बिग बॉस सीजन 14 में हमने निकी को खूब सबको हंसाते हुए देखा था, लेकिन आज वही निकी तांबोली काफ़ी दुखी और काफ़ी अपसेट है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में निकी तांबोली के भाई का निधन हुआ है और निकी ने इस बात की जानकारी अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर करके दी है। निकी ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से उसके भाई जो हैं कोविड-19 से सफ़र कर रहे थे और उनको काफ़ी तकलीफ़ें हो रही थी, और इसके अलावा उन्हें कुछ ऐसे फिजिकल इश्यूज थे जिसके चलते वो काफ़ी परेशान रहा करते थे। निकी तांबोली ने अपने भाई को हॉस्पिटलाइज करवाया था, उनकी अच्छी खासी ट्रीटमेंट चल रही थी, लेकिन अचानक से कल सुबह उन्हें जो है पेन हुआ लंग्स में और इसके बाद उनका निधन हो गया है। निकी तांबोली ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने भाई के ठीक होने के लिए भगवान से पूजा भी करवाई थी, अपने भाई के लिए उन्होंने प्रेयर भी किया था, लेकिन इसके बावजूद निकी तांबोली के भाई जो है बच नहीं पाए, जिससे निकी काफ़ी अपसेट हैं। उनके फैमिली इस समय काफ़ी डिप्रेस्ड है। दोस्तों, अगर हम बात करें निकी तांबोली के बारे में तो निकी तांबोली जो है खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में भी जाने वाली हैं, और ये जो है उनके भाई का ड्रीम था। जी हाँ, निकी तांबोली को खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में देखना निकी तांबोली के भाई का ड्रीम था, जिसके चलते निकी तांबोली ने खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में जाने से इनकार बिल्कुल भी नहीं किया है। अभी हाल ही में एक सोर्सेज की माने तो निकी तांबोली जो है कैप टाउन जाने वाली हैं, जहां पे वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 की शूटिंग कंटिन्यू करने वाली हैं। निकी तांबोली के भाई के निधन के बाद टेलीविजन के कई सितारों ने निकी को जो है दिलासा दिया है, उनके दुख में शोक जताया है। अर्जुन बिजनाली, जान कुमार शानू, अली गोनी, जैस्मिन भरसीन, इवन हीना खान ने भी दुख जताते हुए कहा है कि मुझे पता है कि इस समय तुम्हारे फैमिली पे क्या मुसीबत आ गई है, मैं क्योंकि इस मुसीबत से अभी हाल ही में गुजर चुकी हूँ और मैं समझ सकती हूँ निकी तांबोली का दुख। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी हाल फिलहाल में हीना खान के पिताजी का भी निधन हुआ था, जिसके बाद हीना खान काफ़ी डिप्रेस हो गई है, और अभी हाल ही में निकी तांबोली के अलावा हीना खान पे भी जो है गम का पहाड़ छलका था, इसीलिए निकी तांबोली का जो दर्द है हीना खान जो है बखूबी समझ रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रूबीना दिलायक, अभिनव शुक्ला, हर किसी ने निकी तांबोली के भाई के निधन पे शोक व्यक्त किया है। तो दोस्तों, हम भी यही चाहते हैं कि निकी तांबोली के भाई जहाँ भी हों खुश रहें, और निकी तांबोली के और उनके परिवार को जो है भगवान शक्ति दे कि वो खुद को संभाल सके। अगर आप भी निकी तांबोली और उनके फैमिली के लिए बेस्ट विशेष देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दे सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहूंगी। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें, ताकि आपको सारी अपडेट्स जो है ना सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।